लगता है वो मनोज का बच्चा हमें छोड़ेगा नहीं। क्या करे दीदी? इसे क्या हुआ? पागल की तरह इधर उधर देख रही है। दीदी, ओ दीदी, क्या है? ऐसे क्यों मार रही है? तू इस तरह चुड़ैल की तरह गुमसुम बैठी रहेगी तो मैं क्या करूं? इतने जोर से मारना था क्या? मुझे जैसा आता था मैंने वैसे मार दिया। वैसे तू इस तरह क्या सोच रही है? उस मनोज को सबक सिखाने के बारे में क्या? अरे नहीं नहीं, तो फिर इतने देर से क्या सोच रही है? वो शर्माना छोड़ और बता क्या बात है। वो बहन, उस दिन हम लोग शादी में खाने के लिए गए थे ना? गए तो थे पर कहाँ खाया? हमारे जाने से पहले ही शादी हो गई। अरे मेरी पूरी बात तो सुन। चल क्या है बता। जब से वहाँ गए हैं मुझे भी शादी करने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों? शादी चुड़ैल कहीं की? तुझसे कौन शादी करेगा? क्यों क्यों नहीं करेगा? हम लोग एक मैरिज ब्यूरो के पास जाकर उन्हें ही एक अच्छा रिश्ता ढूंढने को कहते हैं, वही ढूंढ देगा। ऐसा करे क्या? और क्या, कब तक ऐसे अकेले जिए? हमें भी किसी न किसी से शादी कर लेनी चाहिए ना। चल चलते हैं। ठीक है चल। फिर दोनों मिलकर एक मैरिज ब्यूरो जा पहुँचे। बताइए मैडम, हम आपका क्या सहायता कर सकते हैं? मेरी दीदी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना होगा। हाँ जरूर जरूर, बताइए आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए। हम जितना भी खाएं उसका पैसा खत्म ही ना हो, हमारी हर मांग को पूरी करे ऐसा लड़का चाहिए, बस काफी है। अच्छा ठीक है मैडम, आपका एड्रेस दे जाइए, रिश्ते तो आपके घर आ जाएंगे। हमारा घर बार कहाँ है? इसे आप कौन सा एड्रेस बताएं? अपन उस बरगद के पेड़ पर ही रहते हैं ना, वही एड्रेस देते हैं। दोनों बहनों ने उस पेड़ का एड्रेस लिखवा दिया और वहाँ से निकल पड़ी। दूसरे दिन सुबह एक रिश्ता बड़ी बहन के लिए आ रहा था तो दोनों बहनें बड़ा खान पान पका रहे थे। ये सब क्या है दीदी, बनाया हुआ खाना हमारे लिए ही काफी नहीं है, अब उनको क्या खिलाएं? अरे पगली, आज एक दिन उसे भरपेट खिलाकर खुश कर देंगे ना, कल शादी के बाद वो हमारे लिए खाना बनाएगा। ऐसा क्या दीदी, और क्या। बड़ी बहन को देखने अजय आ पहुँचा। पेड़ के नीचे उनका स्वागत का सारा इंतजाम किया हुआ था। बड़ी चुड़ैल बन धन के शर्माती हुई अजय के सामने बैठ गई और छोटी चुड़ैल बड़ी के साथ ही खड़ी थी। ये क्या है, ये रिश्ते की बातचीत इस पेड़ के नीचे होगी? शादी के बाद आपका परिवार भी इस पेड़ की तरह खुशहाल हो इसीलिए इधर बुलाया है। ओह अब बताओ मेरी दीदी पसंद आई? बताता हूँ, काफी दूर से आया हूँ, बड़ी भूख लगी है, खाने के बाद बताता हूँ। कहकर अजय सामने रखा हुआ सारा खाना खा गया। अजय इधर बैठकर खा रहा था और दोनों बहनें थूक निगलते हुए उसे देख रहे थे, पर अजय ने सारा खाना खा लिया। खाना हो गया ना, अब बताओ मेरी दीदी पसंद आई? देखो मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं 6 फीट हूँ और तुम्हारी बहन 4 फीट, उसका मेरा नहीं जमेगा, मैं चलता हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें दंग रह गई। अजय जा रहा था फिर रुक के बोला, बताना भूल गया था, खाना बढ़िया था, चलता हूँ। कहकर वो वहाँ से चला गया। ये क्या है दीदी, चल छोड़, ये नहीं तो कोई और सही। दूसरे दिन एक और रिश्ता आया, उसने भी इनका परोसा पूरा खाना खा लिया पर रिश्ता नकार के वहाँ से चला गया। इस तरह एक हफ्ते तक रोज रिश्ते आते थे, पेट भर खाते थे, फिर रिश्ता नकार के चले जाते। एक दिन किरण नाम का लड़का रिश्ता देखने आया, उसके सामने खाना परोसकर दोनों बहनें उसके सामने बैठ गई। हाँ बता मेरी दीदी पसंद आई? वो तुम्हारी दीदी के बाल इतने लंबे, मुझे जरा लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। अबे रुक जाओ, हम लोग क्या यहाँ कोई धर्मशाला चला रहे हैं क्या? रोज एक नया लड़का आता है, पेट भर खाता है और बोलता है लड़की पसंद नहीं आई। चुपचाप मेरी दीदी से शादी कर ले, नहीं तो इसी पेड़ से तुझे उल्टा लटका के बाद में यही तुझे गाड़ दूंगी।
शादी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताया गया था पेट भर खाना मिलेगा, मैं खाना खाने आ गया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर दोनों बहनों के होश उड़ गए। तुझे ऐसे करने को किसने कहा? बताता हूँ, मुझे छोड़ दोगे? पहले बता तो सही। वो मैरिज ब्यूरो का मालिक है ना मनोज, उसने हमसे कहा था। मनोज का नाम सुनते ही दोनों का सिट्टी पिट्टी गुल हो गया। दोनों बहनों ने जब मैरिज ब्यूरो में अपना डिटेल्स लिखवा कर वापस आए, वो आदमी उन डिटेल्स को लेकर मनोज के घर पहुंचा। इन चुड़ैलों का तस्वीर देख के मनोज ने अपने दोस्तों से मिलकर ये पूरा खेल खेला। ये जानने के बाद दोनों बहनें फिर से एक दूसरे का चेहरा ताकती रह गई। इस मनु के बच्चे ने हमें फिर से बुद्धू बनाया है। चंदन पूरे शहर में अपने स्वादिष्ट रसगुल्लों के लिए मशहूर हो गया था। काफी कमाई होने लगी थी, इतनी कमाई कि वो अपने आप को रसगुल्ला डॉन समझने लगा था और पैसे का घमंड उसका सर चढ़ के बोलने लगा था। चंदन भैया, दो रसगुल्ले देना। दे रहे, दो ही मिलेंगे, चार नहीं मिलेंगे। चलो बाजू हटो, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं भूखे गवार। अरे भैया, काहे इतना बिल बिला रहे हो? अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप से रसगुल्ला खाओ और निकलो। भैया जरा ढंग से बात करो, पैसे दे रहे कोई फोकट में नहीं खा रहे? अरे यार सर मत खाओ हमारा। ओ भाई टाटा बिरला के औलाद, ये लो अपने रसगुल्ले ले जाओ। बहुत अकड़ रहा है आजकल। अम्मा राजू के पापा जरा सुनो तो। क्या है? बड़ी बदतमीजी से बात करते हो आजकल। अरे जैसे भी बात करो, मेरी मर्जी। देखो घमंडी ना बनो। हाँ, तू तो बड़ी सुशीला है, चल भाग यहाँ से जाके काम कर। किसी दिन किसी और ने भी रसगुल्ले का ठेला लगा लिया ना, तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पापा खेल ले जाऊं? हाँ जा जा, और साथ में अपनी माँ को भी ले जा। अगले दिन चंदन ने जब अपनी दुकान लगाई, हैं ये कौन आ गया? खैर कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भैया एक प्लेट रसगुल्ले देना। हाँ जी बैठिए, ला कर देता हूँ। भैया आपके रसगुल्ले तो बड़े टेस्टी है। थैंक यू सर, और दूं? हाँ भैया क्यों नहीं, दो रसगुल्ले और दो, बड़े स्वादिष्ट है और आपके बातें भी बड़े स्वीट है। धीरे धीरे चंदन के रूखे स्वभाव के कारण सारे खरीदार नए दुकान के तरफ जाने लगे। शाम को उसके घर पर आओ चंदन ठाकुर, आओ, आ गए मक्खी मार के। बड़ी काली जुबान है तेरी पुष्पा। और करो बदतमीजी, हो गया ना धंधा ठप। पापा खेलने जाओ। चप्पल किधर है मेरी? लगता है पुष्पा सही कह रही है, मुझे सबसे अच्छे से बात करना चाहिए। अगले दिन आओ आओ बिरजू भैया, घनश्याम भैया, अच्छा रसगुल्ले खाकर जाओ ना। हमें नहीं खाने बेटा तेरे रसगुल्ले, तू ही खा अपने रसगुल्ले। अरे 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 ऐसा मत करो ना भैया। ठीक है खिलाई दो। धीरे धीरे उसका व्यापार वापस पटरी पर आ गया। पहले जितना तो नहीं पर दुकान चलने लगी थी। फिर भी चंदन नाखुश था, वो गुमसुम रहने लगा। एक दिन शाम को, ए जी राजू के पापा सुनते हो? क्या है पुष्पा? वो जो नई रसगुल्ले की दुकान है ना, वो मेरे मामा के बेटे के बुआ के समधन के बेटे की है। ए, क्या बोल रही है? नहीं समझे? अरे बुद्धू राम, वो दुकान भी तुम्हारी ही है, उसके लिए भी मैं ही रसगुल्ले बना कर देती हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली रे। तुम इतने आकड़ू हो चले थे ना, तुम्हें एहसास दिलाना जरूरी था। और मैं सोच रहा था मैं ही रसगुल्ला डॉन हूँ। हाँ हाँ तुम ही हो रसगुल्ला डॉन। तो बंद करा दे दुकान।
नहीं जी, रहने दो, एक से भले दो, फ्यूचर कंपटीशन भी नहीं होगा। हाँ पापा, नो कंपटीशन, मम्मी इज द बेस्ट। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।